हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज है फ्राइडे और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है डेली ही। किसी किसी अभी दो दिन पहले तो और ज़्यादा था। अभी सुबह के लगभग, सुबह तो नहीं बोल सकते, दोपहर के 11:30-12 के करीब हो चुका है टाइम। और अभी 43-44 डिग्री टेम्परेचर अभी इस टाइम पर है। अभी और जाएगा, मतलब जैसे जैसे बढ़ेगा टाइम थोड़ा सा, मतलब 12 बजे के बाद अभी और टेम्परेचर बढ़ता है। और इस तरह से देखिए, आपको ध्यान रखना है कि प्लांट को पानी अच्छे से मेंटेन करके रखना है, ताकि मिट्टी आपकी बिल्कुल सूखे नहीं, प्लांट में सॉक ना लगे और प्लांट आपका अच्छा ग्रो करता रहे। थोड़ा पत्तियां बर्न होंगी, थोड़े फूल बर्न होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, दोबारा से नया आ जाएगा। लेकिन प्लांट के जो कोडेक्स हैं उन पर कोई सनबर्न या कोई दिक्कत ऐसी नहीं आनी चाहिए। इतनी तेज़ धूप का असर कोडेक्स पर नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने भी देखिए यहाँ पर कवर करके रखा है। एक दो प्लांट मेरे खुल भी गए हैं तो थोड़ा सा हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं रहा, मैं उसको दोबारा कवर कर दूँ। फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं उसको कवर कर दूँ ताकि उसमें धूप डायरेक्ट ना लगे। तो देखते हैं यहाँ से अगर बन जाता है तो थोड़ा सा। और बीड्स वगैरह ग्रो हुई है अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा मतलब ग्रो ही रहे तो अच्छा है। थोड़ा प्लांट की जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा कवर रखेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा वीड्स ग्रो जो हुई है ना, तो मैं नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर वीड्स को निकालते हैं तो रूट्स भी ओपन हो जाती हैं। इस वजह से मैं उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। तो अभी मैं इन पर कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह भी नहीं दे रही हूँ इस हाई टेम्परेचर में। तो आप लोग भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ पानी का ही ध्यान दीजिएगा। इस समय पानी अच्छे से दीजिएगा प्लांट को, हो सके तो दोनों टाइम दीजिएगा। मिट्टी चेक करके दीजिएगा, मिट्टी को ज़रूरत है तो दोनों टाइम दीजिएगा, नहीं तो एक टाइम अच्छे से दीजिएगा, एक टाइम आप सावरिंग कीजिएगा थोड़ा थोड़ा पत्तों पर। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। देखिए इसमें भी सीड पॉट बना हुआ है और मिट्टी, आज मैंने सुबह पानी नहीं दिया है, गलती कर दी थोड़ी सी मैंने। शाम को पानी कल मैंने अच्छे से नहला कर दिया था, लेकिन सुबह मैंने वाटरिंग नहीं करी है तो मिट्टी थोड़ी ड्राई दिख रही है। तो सुबह भी मुझे करना चाहिए था, पर लेट भी हो गई, थोड़ा धूप भी तेज़ हो गई तो मैं नहीं कर पाई। आप लोग थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए पानी को बिल्कुल। और मीडिया अगर ऐसा वेल ड्रेन्ड है कि दोनों टाइम में मिट्टी सूख जा रही है तो आप प्लांट को पानी अच्छे से दीजिए। बाकी अगर पत्तों का देखें, बहुत तरह के मतलब प्रॉब्लम इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि पत्तियों का पीलापन, पत्तियों में थोड़ा सा कर्ल होने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सब धूप का इफेक्ट है। धूप ज़्यादा तेज़ होती है ना, तो ये प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। इस तरह से देखिए पत्तों का जो कलर है, ये भी थोड़ा सा ऐसे पीछे से जला जला सा दिखता है, मतलब ब्राउन कलर का दिखता है। इसमें थोड़ा सा फास्फोरस की भी कमी प्लांट को होती है, तब भी ये प्रॉब्लम दिखती है। और धूप की कमी की वजह से भी, मतलब धूप ज़्यादा होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको दिख सकती है। तो ये तो ज़्यादा धूप की वजह से ही अभी मुझे लग रहा है ऐसा, कि ज़्यादा तेज़ धूप लगती है इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे आप प्लांट में करते रहिएगा, वो सबसे अच्छा है। बाकी आप कोई भी ऐसा हार्ड, कोई भी केमिकल या तो कोई भी रूट में भी अभी आपको कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। देना भी है तो लिक्विड करके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दीजिए, सीवीड एक्सट्रैक्ट और बाकी का फर्टिलाइज़र DAP और जो भी मतलब ऐसे NPK वगैरह अभी थोड़ी दिन के लिए रोक दीजिए, जब तक के लिए अभी नवतपा चल रहा है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई जा रहा है, 40 के ऊपर टेम्परेचर है, तो आप लोग अभी फर्टिलाइज़र बंद कर दीजिएगा। और फ्लावरिंग का है तो जैसे फ्लावर अगर आपके गार्डन में नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए। मेरे गार्डन में कंटिन्यू मार्च से फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है तो बंद नहीं हुई, हर प्लांट पर फ्लावर आते रहते हैं देखिए, लेकिन एक दिन में इनके फ्लावर इस तरह से जल करके काले हो जाते हैं, पूरे ब्लैक पड़ जाते हैं। देखिए आज फ्लावर ये नए नए खिले हैं, कल तक में पूरे, कल तक क्या शाम तक में ही पूरे इस तरह से हो जाएंगे। ये कल के फ्लावर है जो खिले हुए थे, तो इस तरह से सूख जाते हैं। तो फ्लावर का भी ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए फोर्स मत कीजिएगा प्लांट को, कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो फूल आने लगे, तो बिल्कुल मत कीजिएगा ऐसा। अभी आप प्लांट को थोड़ा सा बस यही रखिए कि प्लांट धूप से थोड़ा बचा रहे। देखिए तेज़ धूप की वजह से पत्तों का जो आकार है इस तरह से मुड़ जाता है पूरा, ये पत्तियाँ पूरी, पूरा मॉइस्चर इनका उड़ जाता है, जिसकी वजह से ये पत्ते ऐसे कर्ल हो जाते हैं। तो प्लांट को कोशिश कीजिए कि छाया में रखिए, ग्रीन नेट के नीचे रखिए और पानी मेंटेन करके रखिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। हाँ, फंगिसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर सकते हैं, ये तो दो चीज़ें आप जारी रखिए, कंटिन्यू देते रहिए हर 10-15 दिन में, तो आपके प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे। मेरे गार्डन में देखिए अभी वाइट कलर भी खिलने वाला है, एक येलो न्यू कलर खिला हुआ था, एक दिन येलो था दूसरे दिन ये वाइट हो गया, अच्छा है कलर, मतलब उसके पेटल्स अलग हैं जो वो वाला खिलता है और इसके पेटल्स अलग हैं, देखने में ये भी काफ़ी सुंदर है। तो एक ही प्लांट है अभी इसके, जब और प्लांट इसके तैयार कर लूँगी तो सेलिंग के लिए भी तैयार कर लूँगी कुछ प्लांट फिर मैं, अभी बहुत छोटा है तो अभी इसकी ग्राफ्टिंग मैं नहीं कर सकती।
तो ग्राफ्टिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ग्राफ्टिंग अभी 10 दिन, ये 10 दिन रुक करके ग्राफ्टिंग कीजिएगा। मैंने भी 10-12 रूट स्टॉक ऊपर से उठा करके लाई हुई थी मैं भी, तो फिर मन किया कि कर लूँ। उसके बाद फिर एकदम से दिमाग में आया कि इतने टेम्परेचर में अगर ग्राफ्टिंग करती भी हूँ तो शायद ना सक्सेस हो। वैसे 15 दिन पहले जो ग्राफ्टिंग मैंने की थी वो सक्सेस हो गई है, कुछ सक्सेस हो गए हैं, कुछ अभी हो रहे हैं। तो यही है, थोड़ा सा मतलब रिस्क क्यों लेना, 10 दिन वेट कर लेते हैं उसके बाद हम ग्राफ्टिंग करेंगे तो प्लांट हमारे काफ़ी अच्छे, मतलब 10-15 दिन में जैसे एक दो बारिश हो जाएगी ना तो प्लांट हमारे बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देंगे, सारी ग्राफ्टिंग हमारी सक्सेस होगी। और अभी क्या है, थोड़ा सा मतलब बीच में लटका हुआ रहेगा, 50% का चांस रहेगा, तो फालतू जो हमारी ब्रांच है वो भी वेस्ट हो जाएगी और हो सकता है रूट स्टॉक भी ख़राब हो जाए। वैसे रूट स्टॉक ख़राब नहीं होता है ग्राफ्टिंग ख़राब होने से, पर फिर भी थोड़ा सा 10 दिन आप वेट कर लीजिए। सीडलिंग की बात करें तो सीडलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सीड में एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, आपको दिखा देती हूँ। चलिए, मैंने भी की हुई थी, अभी तो फिलहाल मेरे पास अब सीड नहीं है कि मैं ग्रो करूँगी। जो सीडलिंग मैंने 15-20 दिन पहले की थी, 15 दिन पहले लगभग, उनमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो सीड है ना मेरे, वो पता नहीं क्यों अपने आप ही गिर रहे हैं। मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा कि इनमें क्या प्रॉब्लम है। फंगस का तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैंने फंगिसाइड वगैरह सब दिया है, पर सीड अपने आप ना ऐसे गिर जाते हैं टूट करके। तो या तो वो निकल जाते हैं या तो इतना हाई टेम्परेचर है कि वो थोड़ा सा मिट्टी इतना जल्दी ड्राई हो जाती है इस वजह से। तो फिर उसको भी पानी को आपको मेंटेन करके रखना है अगर आप सीडलिंग करते हैं, नहीं तो 10-12 दिन बाद सीडलिंग भी कीजिएगा, कर सकते। मैंने भी की हुई है अभी सीडलिंग और भी की है, तो आप लोग भी चाहे तो कर सकते हैं। सीडलिंग का ऐसा कुछ है नहीं, ये देखिए पूरी सीडलिंग ऐसे ना यहाँ से ऐसे कट करके बाहर निकल आती है। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया इसका रीज़न क्या है, या तो हो सकता है ये फंगस की वजह से या फिर गर्मी की वजह से ये ऐसा हो रहा है, ज़्यादा गर्मी की वजह से। सीड बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं लेकिन सीडलिंग बाद में ऐसे हो जा रही है। तो ये देखिए रूट स्टॉक कुछ ला के रखे हुए थे यहाँ पर अब नहीं करूँगी ग्राफ्टिंग, 10-12 दिन के बाद ही करूँगी। तो आप लोग भी बस ध्यान दीजिए इतना, और प्लांट को अच्छे से शाम को नहला करके पानी दीजिए। शाम को कब आपको नहलाना है, 7 बजे। 6 बजे भी मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है तो प्लांट नुकसान कर सकता है उस समय प्लांट को। तो 7 बज जाए जब, उसके बाद पानी दीजिए और अच्छे से दीजिए, भर भर के गमलों में दीजिए ताकि जितना भी गर्मी है प्लांट की निकल जाए बाहर और प्लांट आपका रात भर में स्ट्रेस फ्री होकर के अच्छे से पानी ले सके और दिन भर के लिए वो तैयार रहे। तो इस तरह से अगर आप पानी मेंटेन करते हैं तो आपके प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे। बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ पे तो मैंने थोड़ा साड़ी कवर करके रखा है जो कि इधर के प्लांट को छाया मिलती है लेकिन इधर के प्लांट को छाया बिल्कुल भी नहीं मिलती, ये पूरे फुल सनलाइट में रहते हैं। और जो मेरे 3rd फ्लोर पे हैं वो भी पूरे फुल सनलाइट पर हैं इतनी तेज़ गर्मी में, वहाँ पर भी थोड़े पत्ते पीले होने शुरू हो गए हैं 3-4 दिन की तेज़ धूप से। पर पत्तों का क्या है, पत्ते पीले होंगे फिर से नए आ जाएंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। बस स्टेम और जो कोडेक्स है वो बर्न नहीं होना चाहिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये देखिए कितने सुंदर फूल है, पहले येलो कलर का खिलता है उसके बाद ये पिंक हो जाता है, काफी खूबसूरत से कलर चेंजिंग प्लांट है। ये देखिए शुरू में येलो खिलेगा बाद में पिंक हो जाएगा। ये देखिए पिंक में भी इतने सुंदर पैटर्न आ रहे हैं, ये देखिए पिंक और वाइट का शेड, ये देखिए। और ये भी एक कलर बहुत प्यारा सा कलर है, बहुत सुंदर लगा मुझे इसका कलर। ये देखिए कितना सुंदर कलर निकल के आया है, फर्स्ट फ्लावर इतना सुंदर नहीं खिला था जितना ही सेकेंड, अभी पूरा खिला हुआ भी नहीं है ये। इसका भी कलर चेंज है, येलो खिलता है उसके बाद ये पिंक हो जाता है, ये भी बहुत प्यारा सा है। ये मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं जिनसे हमने एक्सचेंज किए थे प्लांट,